दिग्गज स्टॉक एलआईसी पर आती हुई खबर, सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के मामले में राहत दी। आपको पता है कि 75% लानी होती है कंपनियों को, मिनिमम 25% मिनिमम शेयर होल्डिंग करनी होती है, यानी कि प्रमोटर्स की स्टेक 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंपनी को रिलीफ दी गई क्योंकि बड़ी साइज की कंपनी, तो सेबी ने कहा कि भाई आप आराम से अगले 10 साल में शेयर होल्डिंग को 25% तक लाइए पब्लिक की, और 75% सरकार की बनी रहे। इसके लिए समय मिला है मई 2032 का, वाह लंबा समय। ओके, एलआईसी के बाद फोकस करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो गति पर। बोर्ड ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को दी है मंजूरी। स्कीम में के तहत कंपनी और उनकी सब्सिडरीज के बीच डीमर्जर मर्जर किया जाएगा। एचपीवीपी आईओसी जैसी कंपनियों पर रखिएगा नजर, और खासतौर से रेस्टोरेंट वाली कंपनियों पर रखिए नजर जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करती है, उनके लिए राहत की खबर है। 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल सिलेंडर होता है उसके दामों में कटौती की है, लगभग 40 रुपए प्रति सिलेंडर कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप खुश ना हो, ये कीमतें सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पे, घरेलू एलपीजी आपकी वैसी की वैसी। फोकस रखिएगा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग है वो कराने की तैयारी में है, तो ये वाले स्टॉक्स और सेक्टर्स रहेंगे रडार पर। कल देर शाम पूरे देश में सुर्खियों में छाया रहा जोमेटो, और खबर यह थी कि शिप रॉकेट करके एक कंपनी, उसमें ये भारी भरकम वैल्यूएशन पे स्टेक खरीदने के मूड में, कंपनी खरीदने के मूड में, और लोगों का लगा अरे ये तो जोमेटो के लिए बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जोमेटो ने एकदम टाइमली इसका खंडन किया है। इनके फाउंडर दीपेंद्र गोयल साहब ने भी ट्वीट किया है, और उन्होंने साफ कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, फालतू बात में ध्यान मत लगाइए, दूर रहिए इस तरह की खबरों से, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। फोकस करिएगा WPIL लिमिटेड पर, ऑर्डर विन की खबर है जिसकी वजह से सुर्खियों में। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार से इनको 425 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और रेलटेल ये भी इसी तहत फोकस में रखिएगा। कंपनी को NF रेलवे कंस्ट्रक्शन से 66 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कल की एक बड़ी ब्लॉक डील थी एमी ऑर्गेनिक्स, और इस ब्लॉक डील में जो खरीदारी के नाम आए 6 बायर्स के, वाह बहुत ही जोरदार है। मॉर्गन स्टैनली ने 8 लाख शेयर खरीदे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका मेरे रेंज सिक्योरिटीज ने 5 लाख शेयर खरीदे हैं, और बाकी भी जो नाम है बड़े इंप्रेसिव है, अच्छे बायर्स आए हैं। ओके, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस इस पर रखिएगा नजर, क्योंकि ऑफिस स्पेस के लिए सिडबिन कोरटेक का करार हुआ है। बंगलुरु में 54,500 स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए ये सिडबिन कोरटेक को लीज पर देगी, तो इस लिहाज से ब्रिगेड इंटरप्राइजेस आज होना चाहिए आपके रिटर्न। एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर रखिए नजर, हिंडाल्को नेल्को आज रह सकते हैं फिर से फोकस में। मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी ग्लोबली देखने को मिल रही है, कल की तेजी, परसों की तेजी के बाद कल अल्कोहा फिर से 4.5% बढ़ा है, और अगर इनमें भी आपको देखना है कि कौन से शेयर पर फोकस करूं तो ये नेल्को आज बेन से बाहर आई है। ओके, तो यहाँ और इसके बाद कुछ ब्रोकरेज अपग्रेड्स हैं जिस पर नजर रखनी है। पहली तो सीमेंस है, जेफरीज की तरफ से बाय की रिकमेंडेशन है, इनफैक्ट बाय की पोजीशन बरकरार है, टारगेट 5,000 तक बढ़ा दिया है, और अनिल जी ने जो स्टॉक ऑफ द डे दिया था 361 वैम सिटी की, उसकी तरफ से सिटी की अपग्रेड आई है, बाय की पोजीशन बरकरार है, और टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है 750 रुपये। तो ये है अब तक की टॉप 10 मार्केट की खबर।